मैं बीएन मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ। कल बताया गया था, बच्चों ने बताया था कि सर एससीएफ और एलसीएम के बारे में वीडियो बना दीजिए। हमने कहा ठीक है। तो एससीएफ और एलसीएम बनाने से पहले डिवाइडेड का बताया था कि कौन संख्या कब 2 से डिवाइजेबल हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, 11 से हो जाएगी, यहाँ तक मैं बताया था। तो आज एचसीएफ मतलब जानिए क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब जानिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक। अब मल्टीपल्स फैक्टर मतलब क्या होता है और मल्टीपल्स, ये दो चीज नया नाम आ गया, फैक्टर समझिए। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 है आ किससे किससे कटेगा, ये देखिए 1 से कट जाएगा, कटेगा 2 से कटेगा, मतलब 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में आ जाएगा, 6 के टेबल में आ जाएगा, 12 के टेबल में आ जाएगा। तो ये जितना है इसके फैक्टर कहे जाते हैं, समझ आ गया। मल्टीपल्स मान लीजिए 5 का मल्टीपल्स, मतलब 5 का मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करके प्राप्त होने वाला नंबर। जैसे 5 का 5 बन जा 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर डैश 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 करते जाइए, आता जाएगा मल्टीपल्स। एनी प्रॉब्लम आई। तो एच सी एफ निकालना, एच सी एफ भी पहले बता दे रहा हूँ, एच सी एफ निकालने की विधि है। पहला है प्राइम फैक्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे, और दूसरा है डिवीजन, डिवीजन मेथड। ये दो मेथड हैं। एक और मेथड होता है फैक्टर मेथड, तो उसको छोड़िए, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन। एग्जाम्पल लेते हैं या सीएफ का, मान लीजिए 24 और 42 का आपको एलसीएम निकालना है, सॉरी एससीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 24 यहाँ लिख लीजिए और 42 यहाँ लिख लीजिए, लिख लिए। अब इसको, अब इसका प्राइम फैक्टर करिए। तो प्राइम फैक्टर आप प्राइम नंबर से ही करेंगे, या तो 2 से करिए, 3 से करिए, 5 से करिए, 11 से करिए। 2 से देखिए कटता है, यहाँ 4 है तो 2 से कटेगा, कल मैं बताया था। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 3 से कटेगा, 3 बन जा 3। अब इसको देखिए, यहाँ 1 आ गया ना, अब 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 ये, अब ये 3 से कटेगा, 3 7 जा, अब ये 7 से कटेगा, 1 आ गया। अब यहाँ लिखिए एच सी एफ, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यानी कि 2 और 3 इज इक्वल टू 6। एनी प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि 3 संख्या जो कॉमन हो, जो दोनों में हो वही होता है, और हाईएस्ट जो हो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, 24, 48 और 96। चलिए 24, 48, 96, ठीक है। कटाइए 2 से, 12 आएगा, 12 टू जा 24, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 बन जा। एनी प्रॉब्लम। 2 24, 2
ट्वेल्व टू सिक्स टू थ्री टू थ्री वन आएगा ये टू फोर्टी एट टू ट्वेंटी फोर टू ट्वेल्व टू सिक्स टू थ्री थ्री वन लिखिए एच सी एफ टू यहाँ है यहाँ है यहाँ है एक उतर गया मल्टीप्लाई टू यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है उतर गया टू यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है उतर गया थ्री यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है उतर गया। अब यहाँ दो है तो इसमें नहीं है, यहाँ दो थे दो है तो इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। टू टू जा फोर टू जा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर ये हो गया आपका एच सी एफ। तो एच सी एफ निकालने का सिस्टम है, आप ध्यान दें और स्पेशल तरह से आप एच सी एफ निकालें। और यदि किसी का एच सी एफ निकालने में प्रॉब्लम है तो आप बताएं, उसका एच सी एफ हम निकालेंगे। तो आज तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद दें। कल फिर एक वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।